स्टेडियम के अंदर हमें जो है घुसने से रोका गया, जबकि हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे। हमारे सेक्रेटरीज और हमारा पूरा दल जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ रहा था। पुलिस बल से हमें वहाँ गेट पे रोक लिया गया, हमारे पे लाठियाँ बरसाई गई, धक्का मुक्की करी गई। हमारे समर्थक थे, वो समर्थकों को जो है मतलब कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और हमारे सेक्रेटरीज पे लाठियाँ बरसाई पुलिस ने इतनी बर्बरता से कि उनको जो है इस तरीके से सरकार जो है इस पावर का जिस तरीके से मिसयूज कर रही है। ये RCA के इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर मैं ये बहुत ही एक अच्छे मन से बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पुलिस बल से हमें रोका जा रहा है, ये राजस्थान की आम जनता के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय और बहुत ही ज़्यादा एक मैं बताऊँ घिनौनी हरकत है। आज मुझे दुख इस बात का है, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा खंजर छाती में खा सकता है? मेरे खंजर जब पीठ पे मारा है, इसका मुझे जरूर दुख है। और इस खंजर का राजस्थान का किसान गांव और ढाणी तक इस बात का बदला लेगा, ये मैं पुरजोर शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ। मैं RCA के अंदर आया एक किसान का बेटा, हमने ये देखा कि गांव ढाणी का किसान जो है उसका जो यूथ है, जो उसका बेटा है, वो क्रिकेट से जुड़ रहा है। क्रिकेट क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से वो टैलेंट जो उस गांव ढाणी के अंदर उभर के आ रहा है, उनको पीछे धकेलने का काम ये सारे के सारे, चाहे CP जोशी साहब हो चाहे सरकार हो, उनको धकेलने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो जिला संघ है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ते रहेंगे, जब तक उस गांव के, उस टैलेंट के, चाहे शहर का हो, चाहे कस्बे का हो, चाहे ढाणी का हो, चाहे खेत का हो, उस टैलेंट को हम आगे लाने में कोई पोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक और आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्टोरल ऑफिसर आए थे, वो इलेक्टोरल ऑफिसर बिल्कुल बाइस्ट होकर और जिस तरीके से हमारे जो जिले थे उनको बगैर नियम कानून के तहत उनको जो है खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का स्टे, चाहे नागौर की बात करो, चाहे गंगानगर की बात करो, चाहे अलवर की बात करो, वो सारे के सारे जिले जो है डिसिप्लिनेटेड कर दिए, जबकि उनका जो है RCA की तरफ से और CP जोशी अध्यक्ष है उनकी तरफ से तानाशाही रवैये से उनको जिस तरीके से डिसिप्लिनेटेड किया था, उसमें कोई तथ्य नहीं है। और उसी बात को हाईकोर्ट के आदेश को किनारा कर उसको ना मानते हुए उनको डिसिप्लिनेटेड कर दिया। हमने जो है अमोसमेंट में हम गए, आज दिल्ली के अंदर फैसला होगा, हम आगे न्याय तक चाहे सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्याय पूरा मिलेगा। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप के तहत और पुलिस बल के तहत, सरकार के प्रशासन के तहत, सरकार के दबाव के तहत और सरकार के प्रेशर का जो मिसयूज करने का जिस तरीके से उन्होंने किया है, इसका बदला आम जनता का यूथ जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है वो जरूर लेगा। ये मैं आपको जो है संघ के जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उन्होंने 13 फॉर्म भरे हैं। अब वो आगे मुझे तो ये लगता है कि ये जिस तरीके से कर रहे हैं बाइस्ट होके, इलेक्टोरल जो ऑफिसर है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने जिस तरीके से चुन चुन के रात को 2:30 बजे लिस्ट जारी करना, सुबह उनके पेपर नहीं देना, तो ये कहाँ का न्याय है? आज तक ऑर्डर नहीं दिया, आज तक कभी जो है ना आज तक ऑर्डर नहीं दिया इन्होंने, क्या किया क्या नहीं किया, 2:30 क्यों बजाए, ये सारा का सारा जो है ना हर आदमी को पता है इस बात का कि उन्होंने पूरे बाइस्ट होके और उन्होंने सरकार के दबाव में आकर सरकार से मिली भगत कर, CP जोशी से मिली भगत कर, और इन्होंने पूरे पूरे जिले जो डिसिप्लिनेटेड किया है, हमारे जिलों को जो है इन जो RCA से जो संस्था से बाहर निकाला है, ये पूरा का पूरा इनका रचे रचाया खेल था। क्योंकि 33 के 33 जिला संघ जो है वो हमारे साथ है। CP जोशी जो है उसका वोट नहीं लगता, CP जोशी अध्यक्ष है। आज उन्होंने जिस तरीके से जो रचा है, मुख्यमंत्री जी का बेटा है वैभव, उनको लाकर और हमारे CM साहब पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लाठियाँ बरसाई जाती है, पुलिस बल जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, ये तानाशाही रवैया है, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र की कम्प्लीटली हत्या करने का जो काम कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता कभी जो है माफ़ नहीं करेगी और कभी इस बात को सहन नहीं करेगी। और इस तरीके से जो कर रहे हैं, ये आप भलीभांति परिचित हो कि रात को 2:30 बजे लिस्ट जारी करना और पूरे 22 होकर किसको उड़ाना है, रामेश्वर डूडी का जिला,
नागौर उसको डिसिप्लिनेट कर दिया, क्योंकि हमारे जो जिला संघ थे उनको ये डर लग रहा था और उनको हारने का पूरा डर था, और उसी तहत ये साजिश रची गई और उस साजिश के तहत सारा का सारा काम। हम जब तक जो है ये फैसला आएगा, जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जिला संघ जो इन्होंने डिसिप्लिनेट किया है और जो इस संस्था से बाहर किए हैं, जिलों को जो है निकाला है, उन जिलों को कहीं कोई जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बिल्कुल आज स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरी डिक्टेटरशिप के तहत पूरे तानाशाही रवैया के तहत इनको बाहर किया है, उनको जो है हम जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक वो संस्था के अंदर वापस। ये तो आप भली भांति जानते हो कि जो जिस तरीके से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के अंदर जिस तरीके से खेल जो रचाया वो महाभारत देख लो आप। ये तो आप भली भांति जानते हो कि जो जिस तरीके से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के अंदर जिस तरीके से खेल जो रचाया वो महाभारत देख लो आप। राजस्थान के आम जो यूथ है, राजस्थान का आम जो जवान है, वो आज इस लड़ाई के साथ में है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई जब तक हमारी जारी रहेगी जब तक आरसीए के ताले नहीं खुलेंगे और आरसीए जो है उन ऊंचाइयों पर तब तक नहीं जाए तब तक जो है हम संघर्ष करते रहेंगे उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम। स्टेडियम के अंदर हमें जो है घुसने से रोका गया, जबकि हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, हमारे सेक्रेटरी जो और हमारा पूरा दल जो है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ रहा था, पुलिस बल से हमें वहाँ गेट पे रोक लिया गया, हमारे पे लाठियाँ बरसाई गई, धक्का मुक्की करी गई। हमारे समर्थक थे वो समर्थकों को जो है मतलब कोई बात सुनने को तैयार नहीं, और हमारे सेक्रेटरीज पे लाठियाँ बरसाई पुलिस ने इतनी बर्बरता से कि उनको जो है इस तरीके से सरकार जो है इस पावर का जिस तरीके से मिसयूज कर रही है। ये आरसीए के इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर मैं ये बहुत ही एक अच्छे मन से बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पुलिस बल से हमें रोका जा रहा है, ये राजस्थान की आम जनता के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय और बहुत ही ज़्यादा एक मैं बताऊँ घिनौनी हरकत है। आज मुझे दुख इस बात का है, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा खंजर छाती में खा सकता है, मेरे खंजर जो पीठ पे मारा है इसका मुझे जरूर दुख है, और इस खंजर का राजस्थान का किसान गांव और ढाणी तक इस बात का बदला लेगा, ये मैं पुरजोर शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ। मैं आरसीए के अंदर आया एक किसान का बेटा, हमने ये देखा कि गांव ढाणी का किसान जो है उसका जो यूथ है जो उसका बेटा है वो क्रिकेट से जुड़ रहा है, क्रिकेट क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से वो टैलेंट जो उस गांव ढाणी के अंदर उभर के आ रहा है उनको पीछे धकेलने का काम ये सारे के सारे चाहे सीपी जोशी साहब हो चाहे सरकार हो उनको धकेलने का काम कर रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, हमारे जो जिला संघ है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ते रहेंगे जब तक उस गाँव के उस टैलेंट के चाहे शहर का हो चाहे कस्बे का हो चाहे ढाणी का हो चाहे खेत का हो उस टैलेंट को हम आगे लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक और आपको बताऊं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इलेक्टोरल ऑफिसर आए थे वो इलेक्टोरल ऑफिसर बिल्कुल बाइस्ट होकर और जिस तरीके से हमारे जो जिले थे उनको बगैर नियम कानून के तहत उनको जो है खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का स्टे चाहे नागौर की बात करो चाहे गंगानगर की बात करो चाहे अलवर की बात करो वो सारे के सारे जिले जो है डिसिप्लिनेटेड कर दिए, जबकि उनका जो है आरसीए की तरफ से और सीपी जोशी अध्यक्ष है उनकी तरफ से तानाशाही रवैये से उनको जिस तरीके से डिसिप्लिनेटेड किया था उसमें कोई तथ्य नहीं है, और उसी बात को हाईकोर्ट के आदेश को किनारा कर उसको ना मानते हुए उनको डिसिप्लिनेटेड कर दिया। हमने जो है एम्बोसमेंट में हम गए, आज दिल्ली के अंदर फैसला होगा, हम आगे न्याय तक चाहे सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्याय पूरा मिलेगा। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप के तहत और पुलिस बल के तहत सरकार के प्रशासन के तहत सरकार के दबाव के तहत और सरकार के प्रेशर का जो मिसयूज करने का जिस तरीके से उन्होंने किया है इसका बदला आम जनता का यूथ जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है वो जरूर लेगा।